मिशन भारतवर्ष में सेक्सटॉर्शन पर बड़ा खुलासा। दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में सेक्सटॉर्शन नेटवर्क मेवात से देश के अलग अलग हिस्सों में सेक्सटॉर्शन। मेवात के गावड़ी गांव आसपास के इलाकों में इसका जो गैंग है, इसका जो नेटवर्क है वो एक्टिव है। तो ये बड़ी खबर भी आपको हम बता रहे हैं कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के लोगों को शिकार बनाया जाता है और मेवात से पूरे देश में सेक्सटॉर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के इस मिशन भारतवर्ष में सेक्सटॉर्शन पर बड़ा खुलासा भी हुआ। तो हमारा ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें कई और बड़े खुलासे आगे होने हैं और इस दौरान हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि #NoMoreDirtyCalls पर आप जाएं और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। सेक्सटॉर्शन यानी साइबर ठगों का बुना एक ऐसा मायावी जाल जिसमें फंसने वाला या तो कंगाल ही हो जाता है या जिंदगी से हाथ धो बैठता है। सुनने में यह भले किसी सामान्य समस्या की तरह लगे मगर ये कितनी बड़ी महामारी बन चुकी है। सेक्सटॉर्शन का ये इच्छाधारी शैतान कैसे हमारे आपके घरों में घुस चुका है ये समझने के लिए आपको MP के भूपेंद्र की कहानी जाननी चाहिए। ये कहानी न सिर्फ आपको आगाह करने वाली है बल्कि सेक्सटॉर्शन से आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले खतरनाक असर को भी दिखाती है। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ, कैसे हो? मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार। 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा, 35 साल की उनकी पत्नी ऋतु और 2 बेटे, 3 साल का ऋतुराज और 9 साल का ऋषिराज, सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मगर अब भूपेंद्र और उसका परिवार इस दुनिया में नहीं है। यह आखिरी सेल्फी सुसाइड से पहले वाली रात यानी 12 जुलाई 2023 की। भूपेंद्र ने पहले अपने दोनों बेटों को जहर देकर मारा, फिर पत्नी के साथ खुद भी फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। क्योंकि भूपेंद्र एक लोन ऐप के चक्कर में फंस चुके थे। आप चौंक रहे होंगे, लोन ऐप से सेक्सटॉर्शन का क्या रिश्ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सेक्सटॉर्शन का काला सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुसाइड नोट के मुताबिक भूपेंद्र एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। नौकरी जाने के बाद कोलंबिया बेस्ड कंपनी में ऑनलाइन जॉब की। ऑनलाइन जॉब कंपनी में नौकरी के लिए निवेश करवाया। जॉब के नाम पर भूपेंद्र बार बार पैसे देता रहा। निवेश से कमाई के लिए कंपनी ने निवेश लोन दिए। टाइम पर लोन न चुका पाने पर कर्ज बढ़ता गया। कर्ज वसूली के लिए कंपनी का टॉर्चर बढ़ता गया। कंपनी भूपेंद्र के फोन से सारे परमिशन ले चुकी थी। मिरर एप्लीकेशन से भूपेंद्र के फोन लैपटॉप हैक कर लिए गए। हैकिंग करके भूपेंद्र के फोटो वीडियो चुराए गए। मॉर्फिंग से भूपेंद्र की अश्लील तस्वीरें बनाई गई। पैसा न लौटाने पर अश्लील तस्वीर से ब्लैकमेल शुरू हो गया। अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी गई। तंग आकर भूपेंद्र ने परिवार सहित जान दे दी। मैं बता रही हूँ, मुझे इसके लिए बार बार कॉल ना करना पड़े। ये सिर्फ भूपेंद्र की कहानी नहीं है। भारत में रोज लगभग 500 लोग अलग अलग तरीकों से सेक्सटॉर्शन या सेक्स विरोधी का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा समाज के इस शैतान के खिलाफ टीवी 9 ने बड़ी मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के तहत सेक्सटॉर्शन रैकेट की जड़ तलाशते हम राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गाँव पहुँचे। यहाँ खुलेआम सेक्सटॉर्शन की फैक्ट्री चलती है। हाँ हाँ। उसमें कहते हैं अपन कोड डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें फ्रॉड नंबर की सिम होती है अपनी, और इधर भूख बहुत लग रही है। कोई फ्रॉड नंबर की अपने पास सिम होती है, अब ऐसे वो अकाउंट अपन इसमें डाल लेते हैं। उसमें क्या जी फोजी की कोई भी आईडी, मतलब राजवीर है तो राजवीर का पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग कार्ड, ऑनलाइन बन जो भी है अपन उसके नाम से। तो ये मतलब क्या है, फर्जी बनाते हो क्या? वो सारा फर्जी होता है। अच्छा, वो फर्जी ही सारा होता है। हाँ, लेकिन क्या कि उसमें प्रूफ जो होता है ना, वो पूरा एक नंबर होता है,
फौजी लगने में तुम्हें मैंने राजवीर हूँ। नहीं तो फौजी का प्रूफ कैसे मिल जाएगा? मेरा नाम वकील है और मैं आईडी चल रहा हूँ राजवीर की, तो राजवीर का प्रूफ डालू। ये मामूली डिजिटल डकैती नहीं है, यहाँ से उठाया गया डेटा सेक्सटॉर्शन की पहली जरूरत होती है। इस डेटा से सेक्स फिरौती के शिकार की इंटरनेट पर तलाश होती है और फिर उसको धीरे धीरे तरह तरह के वाहनों से जाल में फंसाया जाता है। ये प्रूफ कैसे मिल मक्का देंगे? आर्मी वाले का मिल जाता है। कौन देता है आपको? आर्मी वाले से बात कर लो, आर्मी वाले करते नहीं काम। तो भाई आर्मी वाले देते हैं ना प्रूफ? आर्मी वाले करने करते काम, मतलब आप जम्मू में आपकी जॉब लगी हुई है, आदमी हो आप विरोध करते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपकी जॉब लग जाती है महाराष्ट्र में और आपके पास में जम्मू की बाइक है, तो अपन उसको क्या करते हैं, आप उसको सेल कर देते हैं। नहीं, आप आर्मी को पक्के हो, मैं तो खरीद रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोलूँगा सर, आप अपने पहले पूरे डॉक्यूमेंट डालो, आप डालोगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी वगैरह, कैंटीन कार्ड वगैरह जो भी, आप तो पूरा प्रूफ अपने के लिए डालोगे, ठीक है? आपका प्रूफ अपने पास आ गया, अपन आपसे बाइक खरीदे चाहे ना खरीदे, उससे आपको मतलब नहीं, मतलब आपको ये थोड़ी ना पता कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, किसी और को काटेगा ये आप लोगों को पता नहीं पता। लेकिन अपन कहीं करते हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट से अपनी आईडी बना लेते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में अपन बाइक सेल कर देते हैं। ये है पूरा मामला। फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपना ना अपन तुम्हारा ही डॉक्यूमेंट डालेंगे दूसरे बंदे के लिए। इस तरह से जानकारी इकट्ठा होती है और आपको पता भी नहीं चलता है और फिर उसके आधार पर सामान बेचने खरीदने वाली वेबसाइट की आड़, लोन देने के नाम पर ऑनलाइन जॉब की आड़, सोशल साइट्स पर ट्रेंड बनाकर, फर्जी वेबकैम शो के जरिए इंटरनेट लिंक से वायरस भेजकर, आपका कंप्यूटर हैक करके अश्लील तस्वीरों को वायरल कराने का डर दिखा, सेक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है। हेलो, बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजी से पनप रहे इन जालसाजों को लेकर सरकार, साइबर सेल और पुलिस क्या कर रहे हैं? क्या देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो निश्चित करे कि फर्जी जॉब एप्स न बने, लोन के एप्स की निगरानी, सोशल मीडिया कंपनी अपने प्लेटफॉर्म्स को लूट मुक्त रखने की गारंटी, ऐप को मिलने वाली परमिशन का गलत इस्तेमाल न हो, एप्स फोन की हर सूचना तक न पहुंच सके। हमारी मांग है कि देश में एप्स और इंटरनेट एप्लीकेशन की तानाशाही पर रोक लगाने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए सरकारी कानूनी अथॉरिटी बननी चाहिए। तो मिशन भारतवर्ष में ये खास मुहिम टीवी 9 भारतवर्ष की लगातार जारी है, जिसके जरिए हमारी कोशिश है कि सेक्सटॉर्शन के इस जाल में आप बिल्कुल ना फंसे, और अगर आपका कोई अपना फंसा है तो उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना और हैशटैग नो मोर डर्टी टॉक्स इस हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ पीड़ित परिवार जुड़ चुका है, जिनकी कहानी अभी आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे थे। भोपाल के भूपेंद्र, जिनके पूरे परिवार ने भुक्त भोगी है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उनका परिवार हमारे साथ बना हुआ है। मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार हुआ क्या था। आपको मेरी आवाज मिल रही है जी? आप बताएंगे कि किस तरीके से आपके परिवार आपका परिवार ये सेक्सटॉर्शन के इस जाल में आखिरकार कैसे फंसा और क्या कुछ हुआ? फंसने के तो मेरे को नहीं मालूम, इतना बताया था कि पार्ट टाइम पे काम करने के उमाए लालच में किया है। यह 13 तारीख को सुसाइड का जो दिया है तो वह हत्या है, आत्महत्या नहीं किया, हत्या किया है। हम CBI जांच के वो करते हैं कि CBI जांच किया जावे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे।
जब इस तरीके से ये परेशान हुए और आपको पता चला कि ये फंस गए हैं इस तरीके की किसी सेक्सटॉर्शन के जाल में, तो क्या पुलिस का रुख नहीं किया गया, या पुलिस का रुख किया गया तो क्या मदद नहीं मिली? गया थे रिपोर्ट करने, लड़का था, रिपोर्ट नहीं लिखे पुलिस वाले, वापिस आ गया। वह आने के बाद वह यह रात में किया। अब हमारा यह कहना है कि भाई कोई अपने बच्चे को जहर देगा? यह आत्महत्या की नहीं किया बल्कि हत्या की गई। एक सीबीआई जांच करके निराकरण किया जावे। मतलब आपका कहना है कि आत्महत्या नहीं की गई है, हत्या का ये पूरा मामला है और आप कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये पीड़ित परिवार है जिनका क्या कहना है हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि डीजीपी हैं उत्तराखंड के। सर बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। और आज मिशन भारतवर्ष में हम पहले एपिसोड में बात कर रहे हैं सेक्सटॉर्शन की। सर ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें कई लोग आए दिन फंस रहे हैं और हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कई सारे कानून हैं जिसके तहत लोगों को सजा मिल रही है, लेकिन क्या ये कानून उतने मजबूत नहीं है कि सेक्सटॉर्शन का जो जाल है उसमें अभी भी लोग फंसते जा रहे हैं? जी देखिए, कानून तो ठीक है पर लोग बाग जो है ना रिपोर्ट कम करते हैं, डरते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं, जबकि उनको ब्लैकमेल होने से बचना चाहिए। क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल है जो इसके पीछे है सेक्सटॉर्शन के, उसका पर्पज आपकी वीडियो वायरल करना नहीं है बल्कि आपसे पैसा एंटरना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके इनके जाल में नहीं फंसना है, इनसे ब्लैकमेल नहीं होना है और केस को इमीडिएट पुलिस को रिपोर्ट करना है तो ये रास्ते पर आ जाएंगे। अशोक जी, लेकिन ये तो सेक्सटॉर्शन का जो पूरा धंधा चला रहे हैं उन्हें पता होता है कि कानून व्यवस्था है, लॉज है, पुलिस है, पकड़ में आ जाएंगे, उसके बावजूद उनका पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है? देखिए, मैं तो अपनी किताब है मेरी जो आई है साइबर एनकाउंटर्स करके, उसमें भी मैंने बताया है ये कुछ पॉकेट्स देश में हो गई है, जामताड़ा हो, मेवात हो, और ये सब जो है साइबर क्राइम में बहुत ही इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, हजारों नहीं लाखों की संख्या में। 2022 में साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स देश भर में 10 लाख से ज्यादा थी। तो ये क्योंकि वॉल्यूम इतनी ज्यादा है तो इसलिए एक प्रकार से मतलब हमारे लिए भी एक चुनौती है पुलिस के लिए कि इस वॉल्यूम से कैसे पार पाए। इसके बावजूद जो सेक्सटॉर्शन क्राइम है, इस तरह के जो सेक्सुअल उससे स्टॉकिंग है लेडीज का, उस सब को तो हम लोग बहुत सेंसिटिवली लेते हैं और इमीडिएटली वर्कआउट करने की कोशिश करती है पुलिस। तो मेरे विचार से मैं तो यही सॉल्यूशन बताऊंगा कि इमीडिएटली पुलिस को अप्रोच करना चाहिए और इनके इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष पर और अपनी बात रखने के लिए। तो अशोक कुमार जी को सुन रहे थे जो कि उत्तराखंड के डीजीपी हैं और वो कह रहे थे कि लोगों को डरना नहीं चाहिए बल्कि अगर इस तरीके के किसी जाल में वो फंसते हैं तो पुलिस के पास जाएं और कंप्लेंट जरूर दर्ज कराएं।